हेलो एवरीवन, मैं सुमित पाठक ग्रेजुएट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं। तो अभी हम आप लोगों को एसएससी का जो एग्ज़ाम जो इसका पैटर्न है और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं इसमें, ये मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। तो एसएससी जेई 2019 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो दो फेज में होता है, पहले हमारा प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है। प्रीलिम्स जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, पहला इसमें टेक्निकल होता है और दूसरा जो सेकेंड में होता है वो नॉन टेक्निकल। ये दोनों में 100-100 मार्क्स के 100-100 क्वेश्चन रहते हैं दोनों में। टोटल में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 200 मार्क्स टोटल रहेगा, 200 मार्क्स। और आपको टाइम जो मिलेगा वो यहाँ पे आपको 2 आवर टाइम मिलेगा। फिर हमारा प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस एग्जाम होगा, मेंस में टोटल 300 मार्क्स का प्योर टेक्निकल रहता है मेंस, और यहाँ भी हमारा टाइम जो है वो 2 आवर ही मिलता है। तो यहाँ पे आपका टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम आपको यहाँ पे बहुत कम मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका प्रीलिम्स में जो नॉन टेक्निकल है वो आपका 50 मार्क्स का इसमें जीके और जीएस आता है और 50 मार्क्स में आपको रीजनिंग आता है। टोटल नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का रहता है जिसमें 50 मार्क्स जीके एंड जीएस, और इसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब आपको जीके पोर्शन में आएगा और 50 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा। टेक्निकल में हमारा टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं इसमें पढ़ने, जिसमें हमको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम है, फिर आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है, सर्वेइंग है, इरिगेशन, आरसीसी है पढ़ना हम लोगों को, स्टील है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बीएमसी पढ़ना है, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स FM हाइड्रोलिक्स, इसमें मेरा फ्लूइड मशीन भी आ जाता है, ये हमारा पढ़ना है। तो यहाँ पे मेरा जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। सोम में भी आपका ऐसा ही है, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका थ्योरेटिकल है, इसमें भी कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। हाईवे भी आपका, इसमें भी आपको थ्योरी रहेगा, कुछ मटेरियल के बारे में इसमें आ जाता है, हाईवे मटेरियल जो है टेस्टिंग टेस्ट वेस्ट इसमें क्वेश्चन पूछता है, और आपको एक दो न्यूमेरिकल भी इस पर आ जाता है आईएसडी और ओएसडी पे, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, एसएसडी जो होता है आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं इसमें। सर्वेइंग में आपको इसमें भी 2-4-5 क्वेश्चन इससे भी पूछते हैं, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहता है और न्यूमेरिकल भी। इरीगेशन 1-2 क्वेश्चन इससे आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरसीसी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसीसी और स्टील, इसमें आपको कोडल प्रोविजन आरसीसी में रहता है, आईएस 456 का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके कोडल प्रोविजन आपको दे देता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। फिर स्टील भी वैसा ही, इसमें भी आपको आईएस 800 का यूज होता है, आईएस 800 का डायरेक्ट कोडल प्रोविजन 1-2 क्वेश्चन डाल देता है इसमें। बिल्डिंग मटेरियल जो मेरा सब्जेक्ट है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है प्योर, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, इससे कम से कम 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो बिल्डिंग मटेरियल भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, तो ये ब्रीफ में हम लोग आगे देखेंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स भी मेरा ऐसा ही है, इससे भी आपको 4-5 क्वेश्चन आता है। तो टोटल कुल मिला के मेरा जो है यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, हाईवे, सर्वेइंग, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी आगे हम लोग जो 2014 से 2019 का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर वो हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन पे आपको सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर आपको हम लोग नेक्स्ट जितना सारे सब्जेक्ट का आपको हम लोग ये सॉल्व करा करके सारा हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है। तो इसी के साथ अगला आगे मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट हम लोगों को शुरू करना है। आगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरू करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे इसका 2014 से शुरू करेंगे, जो जो सब्जेक्ट इसमें टॉपिक वाइज हम लोग इसका देखेंगे सारे 2014 से लेकर के 2019 तक। थैंक यू।